आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का सचिज अकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो क्लास 12 की बुक है उसका सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ फाइव ईयर प्लान्स। तो यहाँ पे हम अपने देश की पंचवर्षीय योजनाओं को डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक प्लानिंग एंड फाइव ईयर प्लान्स। व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग? इकोनॉमिक प्लानिंग मींस यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ कंट्री फॉर डेवलपमेंट एंड अकॉर्डिंग टू नेशनल नीड्स एंड प्रायोरिटीज। आप डेवलपमेंट के लिए हमारे देश की जो प्रायोरिटीज हैं उनके लिए, जो हम प्रगति, सोशल वेलफेयर लो, जीडीपी ग्रोथ लो, प्रोडक्शन जो भी है, इंफ्रा है, सबको करने के लिए भी प्लान तो चाहिए। और जो अर्थव्यवस्था को लेकर प्लान बनाया जाए, देश बनाए, उसी को इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। सिंपल इकोनॉमिक यानी जो पैसे से रिलेटेड हो और उस पैसे को कहां लगाया जाए, देश में कहां प्रोडक्शन किया जाए, कहां ग्रोथ की जाए, कहां क्या बढ़ाया जाए, घटाया जाए, वो सब की प्लान करने को ही इकोनॉमिक प्लानिंग कहा जाता है। Then, what are five-year plans? अब प्लान तो कर लिया, लेकिन प्लान्स को डिवाइड भी तो करना होता है। ऐसा थोड़ी है कि हमने 70 साल के लिए प्लान बना दिया और भैया करते रहो जो करना है, लेकिन ऐसे प्लान पूरे नहीं होते। देखिए, शॉर्ट टर्म बड़े प्लान्स को छोटे प्लान्स में डिवाइड करना पड़ता है। आप भी देखो ना, अब आपने कहा कि महीने भर में या चार महीने में मुझे एक बुक लिखनी है। अब ऐसा तो है नहीं कि चार महीने में आप अचानक बैठकर बुक लिख देंगे किस दिन, नहीं। आपको प्लान बनाना पड़ेगा कि भाई मुझे दो चैप्टर इस महीने पूरे करने हैं, दो अगले महीने पूरे करने हैं, दो अगले महीने, दो अगले महीने। आज चैप्टर अगर आपकी बुक में है, जैसे पीएचडी लोग करते हैं तो प्लान से करते हैं, तीन चार साल में करते हैं। ऐसा नहीं कि दो महीने में कर डाली या पूरा तीन साल काम नहीं किया, अचानक से दो महीने में कर डाली, ऐसा नहीं हो सकता। बड़े प्लान्स को, बड़े जो टारगेट्स हैं उन्हें पूरा करने के लिए प्लान्स को छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया जाता है। वही जो डिवीजन है उसी को हम फाइव ईयर प्लान्स कहते हैं। छोटे हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं हमारे देश की प्रगति के, विकास के, उनको हमने फाइव ईयर के प्लान्स में डिवाइड किया, ताकि पांच साल में हम ग्रोथ करें, हम प्रगति करें, हम प्रोडक्शन करें, हम देश को आगे बढ़े, और फिर देखें पांच साल में कि हमने कितनी तरक्की की। और उस गवर्नमेंट का भी इवैल्यूएशन तो होता है। इंडिया में डेमोक्रेसी है भाई, पांच साल तक सरकार चलती है, वो देश को चलाती है, सारी नीतियां बनाती है, उनको लगाती है, प्रोडक्शन वगैरह ग्रोथ करती है, उसके बाद उसको इवैल्यूएट किया जाता है, मतलब उसका रिजल्ट निकलता है। उसका भी तो एग्जाम है, पांच साल तक रिजल्ट निकलता, देखा जाता है कि सरकार ने अच्छा काम किया कि नहीं। तो पंचवर्षीय योजना इसलिए बनाई गई कि देश का इस तरह विकास हो सके, डिवाइड करके बड़े गोल्स को। व्हाट आर फाइव ईयर प्लान्स? सेंट्रलाइज नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम्स फॉर नेशनल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अ स्टेप वाइज मैनर। मैंने बताया ना, क्रमबद्ध तरीके से, स्टेप वाइज तरीके से, एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, एक साथ। तो ऐसा नहीं है कि भाई हमारा देश बिल्कुल ही नीचे स्तर पे है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम है, अचानक से ही हमने पांच साल के अंदर या पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ तो ले ली, नहीं, ऐसा नहीं होता। थोड़े थोड़े भागों में बांटा जाता है, स्टेप बाय चढ़ा जाता है। आपने एक साल में ट्वेल्थ नहीं कर ली, पांच साल में भी नहीं की, आपको कम से कम 14-15 साल लगे ट्वेल्थ क्लास तक पहुंचने में। ऐसे देश भी स्टेप बाय तरीके से तरक्की करता है, तरक्की के लिए भी समय देना पड़ता है, उसको डिवाइड करना पड़ता है गोल्स को। ऐसे हमारे देश ने किया फाइव ईयर प्लान्स में। इट एम्स टू अचीव बिगर गोल्स, बड़े गोल्स को प्राप्त करना, बाय डिवाइडिंग देम इनटू स्मॉलर गोल्स ऑफ फाइव ईयर एट ए टाइम। पांच साल में एक बार में पांच साल, फिर और पांच साल, फिर और पांच साल, ऐसे हमने अपने गोल्स को बांटा, बड़े गोल्स को छोटे गोल्स में बांटा, छोटे जो हमारे टारगेट्स में उसमें बांटा, हमने तरक्की इस तरह की है हमारे देश ने। दे आर इंप्लीमेंटेड फॉर डेवलपमेंट एंड देयर रिजल्ट्स आर सीन आफ्टर फाइव ईयर्स। ये डेवलपमेंट के लिए लगाए जाते हैं प्लान्स और उनके रिजल्ट पांच साल बाद देखे जाते हैं। ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, ओरिजिन कहां से हुआ, मतलब ये शुरू कहां से हुई? जोसेफ स्टालिन इंप्लीमेंटेड फर्स्ट फाइव ईयर प्लान सोवियत यूनियन इन 1928। 1928 में जोसेफ स्टालिन ने रूस में सोवियत यूनियन में ये प्लान पहली बार इंप्लीमेंट किया था। इंडिया में कब हुआ? इंप्लीमेंटेड इट्स फर्स्ट फाइव ईयर प्लान इन 1951 आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर इकोनॉमिक एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो 1951 में हमारा पहला इकोनॉमिक प्लान, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान इंप्लीमेंट हुआ हमारे देश की विकास के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग क्या है? प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग के बारे में देखते हैं। इंडिया इंप्लीमेंटेड फर्स्ट फाइव ईयर प्लान अंडर प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन हमारे देश में जो आपके फाइव ईयर प्लान थे उनको इंप्लीमेंट करने के लिए शुरू किया गया, और उसके अंदर अप टिल 1951 टू 1951 से 2014 तक हमारे प्लानिंग कमीशन के अंडर, याद रखिएगा एमसीक्यूज में आता है क्वेश्चन, 12 फाइव ईयर प्लान लागू हुए। 12 फाइव ईयर प्लान के बाद में हमारे देश में फाइव ईयर प्लान बंद हो गए हैं, याद रखिएगा, वर इंप्लीमेंटेड अंडर प्लानिंग कमीशन। अब क्या है, इन 2014 द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज डिसॉल्व। प्लानिंग कमीशन कब डिसॉल्व हुआ? 2014 में, बाय नीति आयोग विच इज अ थिंक टैंक।
बहुत बड़े बड़े थिंकर्स हैं जो बहुत इकोनॉमिक पॉलिसीज को जानते हैं, देश की प्लानिंग कर सकते हैं, उनका एक थिंक टैंक बनाया गया जो नीति आयोग कहलाता है। अब नीति आयोग क्या है? नीति आयोग है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इसकी काया पलट करने के लिए, पूरे देश की छवि बदलने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए, देश की तरक्की करने के लिए, पूरा ट्रांसफॉर्म करने के लिए। कहते हैं ना मेक ओवर कर दिया हमारा, मैं मेक ओवर कराने जा रहा हूँ, बाल बाल कटा लिए, सब कर लिए, तो देश का भी मेक ओवर हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि, ठीक है। अब ये क्या है प्लान सिंस 2015 अंडर नीति आयोग। अब नीति आयोग 2015 से नीति आयोग के अंडर प्लान आ गया। अब इसका प्लान कैसा है? द करंट गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी रिप्लेस्ड 5-year प्लान इन इंडिया बाय 15-year विजन प्लान। अब क्या है 15-year विजन प्लान है सपोर्टेड बाय 3-year एक्शन प्लान। तो अब क्या है आपके देश में 15-year विजन प्लान है, जो वृहद आपका जो जो गोल है, बड़ी एम है आपकी, विजन है आपका 15 साल का, वो विजन प्लान है जो आप देखते हैं कि भारत 15 साल बाद कहां होगा, किस स्थिति में होगा, सबसे आगे होगा, इस समय 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फर्स्ट इकोनॉमी बन जाएगी पूरे देश में, टॉप संसार में टॉप पे चली जाएगी, कहां होगी, वो विजन है इसका। देन इसको सपोर्ट कौन कर, 3-year एक्शन प्लान्स। अब 5-year प्लान्स को बांट छोटा करके यहां 3-year एक्शन प्लान्स में बदल दिया गया है। नीति आयोग यानी कि हर 3 साल में इसको इवेल्युएट किया जाएगा और 15 साल बाद देखा जाएगा कि विजन कहां तक पहुंचा हमारा। नीति आयोग बताई दिया हमने आपको। देन एनुअल प्लान्स, एनुअल प्लान्स कौन से होते हैं, जो किसी वजह से गवर्नमेंट की कोई कमी हो, गवर्नमेंट खत्म हो गई हो, कोई खत्म इन द सेंस सॉरी डिसॉल्व हो गई हो, कई बार ऐसा होता है ना कोलिजन गवर्नमेंट बनती है, बहुत सारी सरकारें एक साथ गवर्नमेंट बना लेती हैं तो अचानक से वो भंग हो जाती हैं, उस समय क्या होता है कि बड़ा प्लान आप नहीं बना सकते। और कई बार ऐसा भी होता है 5-year प्लान का ड्राफ्ट नहीं बन पाया, कोई बड़ी प्लानिंग नहीं कर पाए, किसी वजह से देश में उथल पुथल है, नहीं कर पाए, तो उस वजह से एनुअल प्लान्स लगाए जाते हैं। तो आप देखिए एनुअल प्लान 1 साल का होता है। 3 annual plans for from April 1, 1966 to March 1, 1969। तो यानी कि 1966 से लेकर 1 अप्रैल 1966 से लेकर March 1, 1969 तक कितने प्लान लगाए, 3 annual plan, यानी 3 साल के लिए हर साल प्लान बनता था, 1 साल का फिर लगाया जाता, 3 साल एनुअल प्लान चलते रहे। फिर 1 annual plan from April 1, 1979 to March 31, 1980। आप 1979 से 81 तक 1 साल का एनुअल प्लान चला। फिर 2 annual plans from April 1, 1990 यहाँ कॉमा लगे 1990, इसको सही कर लेना, to March 1992। तो यहाँ 2 annual plans लगातार चले एक एक साल के, एक एक साल का ही होता है एनुअल प्लान। लॉन्ग रन प्लान, अ लॉन्ग रन प्लान इज फॉर लॉन्ग रन प्लान फॉर कंट्री टू डेवलप। अब ये लॉन्ग रन प्लान क्या होता है, लॉन्ग रन प्लान इज अ प्लान फॉर लॉन्ग रन फॉर अ कंट्री टू डेवलप, देश के विकास के लिए लंबे समय का प्लान होता है, एंड इट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव प्लान, इसको हम प्रोस्पेक्टिव प्लान कहते हैं। भाई इसको कॉमा को हटा लेना, जब आप नोट्स बनाओ या स्लाइड्स देखो समझ जाना, मैडम जी से गलती हो गई। इकोनॉमिक प्लानिंग एंड गोल्स ऑफ प्लानिंग। अब इकोनॉमिक प्लानिंग और गोल्स ऑफ प्लानिंग क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज सिस्टम विद सेट ऑफ गोल्स एंड टारगेट्स विद पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू अचीव दोस टारगेट्स इन फिक्स टाइम पीरियड। ये समझ में आ गया होगा, फिक्स टाइम पीरियड में हम गोल्स को टारगेट्स को कैसे अचीव करते हैं, इसी को हम इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। देश कैसे तरक्की करेगा, क्या उत्पादन करेगा, कितना मुनाफा कमाएगा, कहाँ मुनाफे को खर्च करेगा, कैसे पैसे को मैनेज करेगा, कितना एक्सपोर्ट करेगा, कितना इम्पोर्ट करेगा, फॉर एक्सचेंज कैसे करेगा, फॉर एक्सचेंज कहाँ से मिलेगा, क्या चीजें बनाएगा ताकि एक्सपोर्ट करके ज्यादा फॉरन एक्सचेंज कमाएगा, सारी चीजें आपकी इसमें आती हैं। गोल्स ऑफ प्लानिंग, गोल्स ऑफ 5-year प्लान्स आर कॉमन टू ऑल 5-year प्लान्स, दे आर कॉल्ड कॉमन गोल्स। अब गोल्स ऑफ प्लानिंग क्या होते हैं, ये सबके लिए कॉमन होते हैं, मतलब पॉवर्टी, हमारे देश में गरीबी थी तो गरीबी हटाना, मॉर्टेलिटी रेट कम करना, जैसे नवजात शिशु जो मर जाते थे आपने देखा होगा, 225 बच्चे तो जन्म के 1 साल के अंदर मर जाते थे अंग्रेजों के, जब टाइम हमें जब आजादी मिली उस समय ऐसी हालत थी, मॉर्टेलिटी बहुत हाई था, लोग बहुत मर रहे थे, देश में हॉस्पिटल वगैरह बहुत ही कम थे, दवाइयां ना के बराबर मिलती थी लोगों को, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमने हमारे देश ने जब आजादी हासिल की तो हमें क्या हटानी थी, गरीबी हटानी थी, लोगों को रोजगार देना था, लोगों का स्तर बढ़ाना था, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़कें बनानी थी, रेलवे को ढंका करना था, लोगों का सोशल वेलफेयर बढ़ाना था, इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ाना था, देश की ग्रोथ करनी थी, ये सारे क्या है, ये गोल्स हैं।
और इन बड़े गोल्स को छोटे भागों में बांटा गया इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू जो 5-year प्लान्स हमने बनाए, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं, कॉमन गोल्स ऑफ 5-year प्लान्स, इनको हम कॉमन गोल्स कहते हैं, क्योंकि 5 साल में तो गरीबी हटने से नहीं भाई, अभी तक नहीं हटी। अभी तक भी हम जाते हैं तो हमें ट्रैफिक सिग्नल पे बच्चे भीख मांगते, बड़े भी भीख मांगते हमें दिखाई देते, तो आज भी गरीबी है। लोग ऐसे गलत काम भी कर रहे हैं कि बच्चों को उठा रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं, उनसे भीख मंगवा रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। आपको भी थोड़ा भीख देना बंद करो और थोड़ा सा अपने बच्चों की देखभाल भी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया एम टू फुल्ली यूज नेचुरल रिसोर्सेज एंड कंटिन्यूअस इंक्रीज इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। अब प्लानिंग जानती थी, हमारा प्लानिंग कमीशन जानता था, हमारे देश के राजनेता जानते थे, हमारे देश के नेता जो भी पॉलिटिशियन थे सब जानते थे कि हमारे देश में बहुत सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं। इसीलिए तो अंग्रेज आए यहां पर भाई अपना बोरिया बिस्तर लेकर बसने के लिए, कि भाई यहां से लूट लो जितना लूटना हो, क्योंकि यहाँ खजाना है नेचुरल रिसोर्सेस का। और उन्होंने कई सौ साल लूटा, तब भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेस बहुत ज्यादा है, यानी कि लूट नहीं पाए पूरा। तो यहाँ खदाने हैं, बहुत सारा खजाना है नेचुरल रिसोर्सेज का, तो उसको कैसे यूज किया जाए, उससे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ाई जाए और उससे फिर देश का विकास कैसे किया जाए, ये है। इंक्रीजिंग जीडीपी, जीडीपी कैसे बढ़ाई जाए, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं जीडीपी को, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या प्रोडक्ट। मॉडर्नाइजेशन, इसका शहरीकरण, इसका आधुनिकीकरण जो कहते हैं हिंदी में, मतलब आधुनिक कैसे बनाया जाए, मॉडर्न कैसे बनाया जाए, सिटीज बनाए जाए यहाँ पे, जो देश दूसरे देश में लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो लगाई जाए यहाँ पे, कार्स लाई जाए, सड़कें अच्छी से अच्छी, जो भी मॉडर्न फैसिलिटीज है वो सही लाई जाए हमारे देश में। सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशियंसी, मतलब हम अपने आत्मनिर्भर हो जाएं और आत्म जो पोषित हो जाएं। अब देखिए वाई इकोनॉमिक प्लानिंग, क्यों ब्रिटिश लूटेड इंडियन इकोनॉमी फॉर 200 इयर्स, तो देश खत्म सही हो गया था, मतलब हमारे देश में ना कोई प्रगति थी, गरीबी बहुत ज्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, लोग बहुत मर रहे थे, बेरोजगार थे, भूखे थे बेचारे, और सड़कों पे थे लगभग, और बहुत ज्यादा बुरी खस्ता हालत थी। इट वॉज बैकवर्ड इन स्टैग्नेंट, तो बहुत पढ़ लिया, याद हो गया होगा, बैकवर्ड थे और ग्रोथ हो ही नहीं रही थी। जीडीपी वाज डिस्मली लो, डिस्मली मतलब पैथेटिकली बहुत ही ज्यादा नीचे थी हमारी जीडीपी। इट कुड नॉट बी लेफ्ट टू मार्केट फोर्सेस, और खाली प्राइवेट सेक्टर में हम इसे नहीं छोड़ सकते थे। इट नीडेड अ स्ट्रॉन्ग पुश टू डेवलप, और वो पुश कौन देता, जोर का धक्का गवर्नमेंट सेक्टर देने वाली थी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा होता है, इतने रिसोर्सेस होते हैं जो वो देश के लिए काम कर सकती है। किसी भी प्राइवेट बिजनेसमैन के बस की बात नहीं है कि वो सड़कें बना दे पूरे देश की, ठीक है, फ्री में, वो भी वो गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो गवर्नमेंट को पुश देना था, इसलिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों आए हमारे देश में। व्हाट इज द प्लान, प्लान इज एन इकोनॉमिक टूल और मेथड विच डिसाइड्स द वे ऑफ डिविजन एंड एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी। प्लान क्या होता है, डिवीजन होता है, टूल है, मेथड है, जिसके थ्रू हम अपने रिसोर्सेस को यूज कर सकते हैं, स्कार्स रिसोर्सेस को, और प्रगति कर सकते हैं। एंड शोज हाउ टू यूज रिसोर्सेज टू अचीव द सेट गोल्स एंड टारगेट्स, और गोल्स को अपने पूरा कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को यूज करके। देन कॉमन गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग क्या क्या है, जीडीपी ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, जीडीपी यानी उत्पादन बढ़ाना है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमें बढ़ानी है, ज्यादा सर्विसेज, ज्यादा ज्यादा वस्तुएं उत्पादन करनी, गुड्स उत्पादन करनी, गुड्स सारी चीजें गुड्स होती हैं भाई, कैमरा, बॉटल, फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम, मग, बाल्टी, लाइट, सब कुछ गुड्स हैं आपके, सब बनाओ देश में, ठीक है। और सर्विसेज बहुत सारा है, सर्विसेज में क्या आता है आपका, डॉक्टर की सर्विसेज, लॉयर की सर्विसेज, एजुकेशन की सर्विसेज, आपकी टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, आपकी जितनी भी चीजें हैं ये सब सर्विसेज में आती हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े लंबे समय के लिए, जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती क्या है बता देती हूँ आपको, व्हेन देयर इज कंसिस्टेंट रेगुलर यानी कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि लगातार कंसिस्टेंटली कभी गिरे ना प्रोडक्शन, मतलब लगातार बढ़ता रहे प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का, तो कंसिस्टेंटली बढ़ता रहे लंबे समय के लिए, उसे क्या कहते हैं हम, इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। यानी कि जब प्रोडक्शन बढ़ता रहे, जीडीपी बढ़ती रहे बहुत लंबे समय के लिए, यानी कि इंक्रीज ऑफ जीडीपी फॉर लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। कंसिस्टेंट इंक्रीज ऑफ जीडीपी फॉर लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ डिपेंड्स ऑन किस किस पर डिपेंड करती है, इंक्रीज इन रिसोर्स बेस ऑफ कंट्री, कंट्री में रिसोर्स कितने हैं, बेस कैसा है उसका, रिसोर्स है भी के नहीं है, रॉ मटेरियल है, लेबर है, कैपिटल है, सब कुछ है हमारे पास। रॉ मटेरियल तो बहुत सारा खजाना है, लेबर भी हम इंडिया टॉप पे पहुंच चुका है पॉपुलेशन में, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, सबसे ज्यादा जवान जो लोग हैं यूथ इंडिया के पास है, और भाई कैपिटल भी अब तो कम नहीं है, बाहर के देश में
भर रहे हैं खूब सारा कैपिटल एफडीआई बहुत सारा देश में, हमारे देश में सब लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्लांट एंड मशीनरी में, इंडस्ट्रीज में. इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज इन आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट, मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विद लेस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. इंक्रीज इन इनपुट पर यूनिट ऑफ, इंक्रीज इन आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट, इसका मीनिंग समझाती हूँ आपको. जैसे आपने जब प्रोडक्शन करते हैं तो इनपुट होता है एक आउटपुट होता है. जो संसाधन, जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं, जो मेहनत यूज करते हैं, जो लेबर यूज करते हैं, वो क्या है, इनपुट है सारा, ठीक है. और जो प्रोडक्शन होता है उसका जो नतीजा निकलता है, जिससे गुड्स सर्विस जितने बने वो आउटपुट है आपका. कई बार होता क्या है कि आपने बहुत सारे इनपुट लगाए, रॉ मटेरियल भी लगा दिया, मेहनत भी लगा दिया, सब लगा दिया, और नतीजा क्या, शून्य बटे सन्नाटा, कुछ भी नहीं है, मतलब नील बटे सन्नाटा. तो क्या है वो, लेस आउटपुट पर यूनिट ऑफ आउटपुट है, इनपुट है. यानी कि माल तो बहुत लगाया, उत्पादन कुछ नहीं हुआ. जहां पर माल कम लगाओ और उत्पादन ज्यादा हो वो स्थिति अच्छी होती है. मतलब पैसा कम लगे, रोकड़ा ज्यादा बने, तो क्या है आपका, ज्यादा तरक्की है, मोर प्रोडक्शन. देन स्ट्रक्चरल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चरल चेंज क्या होता है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विसेज इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल कंपोजिशन. यानी आधारभूत संरचना कैसी है, कितने लोग एग्रीकल्चर खेती कर रहे हैं, कितने लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, कितने लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, ये सब है सर्विसेज सेक्टर में, या टेलीफोन ऑपरेटर हैं, बीपीओ में काम कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन. कितनी जनता कहाँ लगी हुई है. देन विद डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चरल चेंज के पास में, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन क्या होता है, इसका मतलब है कहां किसको रोजगार, कितने लोग कहां लगे हुए हैं, मतलब नौकरी कहां कर रहे हैं. जैसे कि खेती में कितने लोग काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज वगैरह में, फर्म्स में कितने लोग काम कर रहे हैं, और सर्विसेज में कितने काम कर रहे हैं, मतलब कितने टीचर हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने इस तरह के लोग कहां कहां काम कर रहे हैं. तो ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, कौन कहां लगे हुए, कितने लोग कहां लगे हुए हैं, इसका लेखा जोखा क्या कहलाता है, देश का स्ट्रक्चरल कंपोजिशन कहलाता है. बट डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेक्टर चेंजेस, जब देश की प्रगति होती है तो सारे सेक्टर के जो लोग हैं वो अलग अलग बदल जाते हैं. यानी कि डेवलपमेंट होगा तो इंडस्ट्री लगेंगी, इंडस्ट्री लगेंगी तो लोग शहर बसेंगे, शहर बसेंगे लोग शहर की तरफ भागेंगे, शहर की तरफ आएंगे तो वहां फैक्ट्री में जॉब करेंगे, तो कहां आ गए लोग, इंडस्ट्री में आ गए. और इंडस्ट्री के बाद सारे ही क्या डेवलप हो जाती है, कम्युनिकेशन सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, स्कूल बन जाते हैं, हॉस्पिटल्स बन जाते हैं, तो वहां क्या सर्विस सेक्टर भी आ जाता है, टेलीफोन सेक्टर, ये सब हो गया ना आपके टेलीकॉम सेक्टर वगैरह, तो सर्विसेज में आ गए. यानी कि जब देश के लोग खेती से निकलकर इंडस्ट्री में और सर्विस सेक्टर में आ जाए तो उसको देश एक एडवांस नेशन कहते हैं. जैसे अमेरिका कैनेडा वगैरह में देखते हैं आप लोग, वहां खेती में कम लोग हैं और इंडस्ट्रीज में ज्यादा है. इसका मतलब क्या है, एक विकसित देश में इंडस्ट्रीज में लोग ज्यादा काम करते हैं, सर्विसेज में ज्यादा काम करते हैं, लेकिन एक अविकसित अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड नेशन में क्या करते हैं, लोग खेती में ज्यादा लगे रहते हैं. यानी कि पिछड़े देश में लोग खेती में ज्यादा है और एडवांस देश में, डेवलप्ड देश में लोग इंडस्ट्रीज में, सर्विसेज सेक्टर में ज्यादा है. तो अब क्या, आजादी के टाइम पे हम पिछड़े हुए थे, अब डेवलपिंग नेशन है, तो अब ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी इंडस्ट्रीज में ज्यादा आ रहे हैं और हमारे सर्विस सेक्टर्स में ज्यादा आ रहे हैं. इनफैक्ट सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर में इस समय. देखिए फॉर एग्जाम्पल, इन 2022 एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर कंट्रीब्यूटेड 17.8%. आप खेती में कितने लोग हैं और खेती से जुड़े हुए लोगों में, उसमें उद्योगों में या वेंचर्स में 17.8%, मतलब 20% भी नहीं है. इंडस्ट्रीज में कितने बढ़ के 25.8% और सर्विसेज में कितने 56.4%. तो सबसे ज्यादा अच्छा होता लोग सर्विसेज सेक्टर्स में ज्यादा आए और वो हमारे देश के साथ हो रहा है. यानी हमारा देश निश्चित रूप से प्रगति कर रहा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपका फ्यूचर ब्राइट है. मॉडर्नाइजेशन अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन. मॉडर्नाइजेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग एंड अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन ग्रोथ प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन रेवोल्यूशन, आईटी रेवोल्यूशन, बीपीओस, केपीओस एक्सेट्रा, आईपीओस एक्सेट्रा, बीपीओस बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये केपीओस नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आईपीओस इंटेलेक्चुअल प्रोसेस आउटसोर्सिंग. इंटेलेक्चुअल प्रोसेस यानी जो इन्वेंशन, जो आपके पेटेंट्स वगैरह होते हैं उसके लिए, ठीक है. नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में कुछ कुछ ऐसा ही टीचिंग वगैरह का जो होता है. बीपीओ यानी टेलीकॉम सेक्टर में, बीपीओ तो आप सब जानते हैं, बैक ऑफिस जॉब्स होते हैं. तो जब मॉडर्नाइजेशन कब आता है, जब आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ जाए, ग्रोथ हो जाए, ग्रीन रिवोल्यूशन आपके देश में, बहुत सारा उत्पादन हो,
खेती वेती सब हो रही है इस तरह से. देन मॉडर्नाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री और कॉन्ट्राडिक्टरी. मॉडर्नाइजेशन और आपका एम्प्लॉयमेंट कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्ट्राडिक्टरी. कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, एक दूसरे के पूरक, यानी दोनों साथ साथ चलेंगे. मशीनें आएंगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फैक्ट्री लगेंगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सड़कें बनेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. ये होता है मॉडर्नाइजेशन. शहरीकरण होगा तो लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा. इसका मतलब क्या है, दोनों एक साथ चल रहे हैं, पूरक हैं, मतलब दोस्त हैं, भाई भाई टाइप. भाई दोनों की तरक्की हो रही है, दोनों बढ़ रहे हैं. प्रीवियसली मॉडर्नाइजेशन लेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन विच लेड टू जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट दैट टाइम, बोथ वर कॉम्प्लीमेंट्री. शुरू के दिनों में जब इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी, मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा था, शहरीकरण बढ़ रहा था, उस समय एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा था, उस समय दोनों कॉम्प्लीमेंट्री थे. बट लेटर ऑन ट्विस्ट है यहाँ पर, स्टार्टेड सब्स्टिट्यूटिंग लेबर. अब लोगों को लालच आया, प्राइवेट सेक्टर वाले तो वैसे भी लालची होते हैं ना भाई, देखो है ना, उन्हें लालच आया कि भाई ज्यादा मशीन लगा लो, लोगों को कम काम पे रखा जाए. लोग मरते हैं बेचारे, छुट्टी लेते हैं, उनके हाथ पैर टूट सकते हैं, कुछ भी बीमारी हो सकती है, लीव लेते हैं, उनको बहुत सारे कंपनसेशन देने पड़े. मशीन ले आओ, मशीन कुछ नहीं मांगती, ना खाना ना पीना, बस काम करती है बेचारी, बिजली खाती है बस. तो उन लोगों ने क्या किया, लालची लोगों ने मशीनों को रख लिया और लोगों को हटाना शुरू कर दिया. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे मशीनीकरण बढ़ रहा है, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है, लोगों के रोजगार कम होते जा रहे हैं, विच इज लीडिंग टू जॉबलेस ग्रोथ. अब जैसे एआई आया है, रोबोट्स आते जा रहे हैं, तो उतने ही लोग छटनी होते जा रहे हैं. यानी गूगल ने कभी 12,000 निकाल रहा है, इन्फोसिस कितने एसेंशियल निकाला है, इन्फोसिस ने हजारों लोग निकाल दिए, गूगल ने निकाल दिए, आईटी फर्म धड़ाधड़ इंजीनियर्स को निकाल दिए, गूगल ने बहुत सारे लोग निकाल दिए. तो अब क्या हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन के साथ जॉब्स घट रही हैं, लोग अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हैं. इसको कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ, यानी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, ग्रोथ तो हो रही है पर रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है. इसे कहते हैं क्या, जॉबलेस ग्रोथ, यानी कि बिना रोजगार के ग्रोथ हो रही है. दैट मींस प्रीवियसली द रिलेशनशिप बिटवीन मॉडर्नाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वॉज कॉम्प्लीमेंट्री, बट नाउ इट इज टर्निंग कॉन्ट्राडिक्टरी. यानी कि मॉडर्नाइजेशन बढ़ेगा तो भैया रोजगार नहीं मिलेगा, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी का ये होता है, यानी कि विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा. यानी मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है, लोगों की नौकरियां खा रहा है. सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी. सेल्फ रिलायंस क्या होता है, यानी कि स्टेट ऑफ नॉन डिपेंडेंस ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर फाइनेंशियल रिसोर्स. मतलब हम किसी से पैसा नहीं मांग रहे, कैपिटल नहीं मांग रहे, वो है सेल्फ रिलायंस, अपने आत्मनिर्भर हैं. हमारे पास इतना है कि हम अपने देश की तरक्की कर सके, डेवलपमेंट कर सके, इंडस्ट्रीज बढ़ा सके और इंफ्रा बढ़ा सके. सेल्फ सफिशिएंसी क्या है, स्टेट ऑफ नॉन डिपेंडेंस अपॉन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर एसेंशियल सप्लाईज इन डोमेस्टिक इकोनॉमी. एसेंशियल सप्लाईज कौन सी होती हैं, खाना, कपड़ा, रोटी, ये सब चीजें, फूड ग्रेन्स जो होते हैं, बोथ आर नेसेसरी. ठीक है, यहाँ डोमेस्टिक इकोनॉमी में क्या हो रहा है आपका, कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं कि आप अपना भरण पोषण कर सकें. यहाँ क्या है, दूसरे देश से पैसा तो नहीं मांग रहे, यहाँ क्या है, दूसरे देश से खाना तो नहीं मांग रहे. मतलब खाने में आप सेल्फ सफिशियंट है, अपनी आधारभूत जरूरतों में, बेसिक सप्लाईज यही तो होती है भाई, खाना पीना, और यहाँ पे क्या, पैसा. तो आप सेल्फ रिलायंट हैं और सेल्फ सफिशिएंट हैं, और वो जरूरी है आपके देश के लिए. क्यों, बोथ आर नेसेसरी टू अवॉइड पॉलिटिकल प्रेशर्स, यानी राजनीतिक दबाव से बचने के लिए दोनों ही जरूरी हैं. क्यों, एज हैपेंड टू इंडिया इन द इंडो पाक वॉर ऑफ 1965 व्हेन अमेरिका पेस्टर्ड इंडिया टू एंड वॉर एंड थ्रेटन्ड इंडिया टू स्टॉप फूड ग्रेन सप्लाईज. अमेरिका ने इंडिया को ब्लैकमेल किया 1965 में इंडो पाक वॉर के समय, क्योंकि उस समय इंडिया में जो गेहूं वगैरह आता था, हम फूड सप्लाईज में सफिशिएंट नहीं थे, हम लोग अमेरिका से आयात करते थे, यानी इंपोर्ट करते थे अपनी फूड सप्लाईज. और उस समय हमें अमेरिका ने धमकाया भी, थ्रेटन किया, प्लस हमें धमकी समझिए भाई, हमारा खाना बंद कर रहे हैं वो लोग, कह रहे हैं भाई पाकिस्तान से हार जाओ. ठीक है, उसके बाद हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन ले आए अमेरिका को जवाब देने के लिए, पाकिस्तान से लोहा लेने के लिए. मोर टर्म्स, आप और टर्म्स देखिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इज बेस्ड ऑन ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इट स्टैंड्स फॉर इनकम एज पर क्वालिफिकेशन एंड एफर्ट्स. यानी कि जिसकी जितनी काबिलियत उसे उतना पैसा. भाई किसी ने बहुत पढ़ाई लिखाई कर डॉक्टर बना है, पूरी आधी जिंदगी उसने मेडिसिन में बिताई है, तो उसको उस हिसाब से पैसा मिलना चाहिए. ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एवरी पर्सन गेट सेम अमाउंट ऑफ मनी. अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल में अंतर समझ में आ रहा है, इक्वल यानी सबको बराबर पैसा, यानी जिसने कुछ नहीं किया, जो 10वीं 12वीं करके कहीं पे पियोन लग गया, उसकी भी उतनी सैलरी, मतलब 20,000 उसको और 20,000 एक डॉक्टर को. क्या ये अच्छा सिस्टम है, नहीं.
तो अच्छा सिस्टम कौन सा है? इक्विटेबल, जिसने जितनी मेहनत की हो, जिसने जितना अपना एजुकेशन अच्छी तरह किया हो, जितना उसने अपने एजुकेशन में समय लगाया हो, उस हिसाब से उसकी सैलरी, यानी कि डॉक्टर्स की सैलरी कई लाख रुपए जाती है, प्लस वो सर्जरी वगैरह में भी कम आते हैं, क्योंकि उतना ज्यादा उन्होंने मेहनत की होती है, मतलब दिन रात। भाई डॉक्टर्स को हैट्स ऑफ, मतलब कितना ज्यादा मेहनत करते हैं वो लोग। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एवरी पर्सन गेट सेम अमाउंट ऑफ मनी फॉर डिफरेंट वर्क्स, इक्वल में सबको बराबर, ये तो बता ही दिया आपको। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर समझ लो। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जितनी मेहनत उतना पैसा, सिंपल। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में सबको बराबर पैसा, ठीक है? जितनी मेहनत उतना पैसा, यानी कि डॉक्टर ने ज्यादा मेहनत की हुई होती है तो उसे ज्यादा सैलरी मिलेगी, एक जज ने ज्यादा मेहनत करी होती है उसे ज्यादा सुविधाएं और सैलरी मिलेगी, लेकिन प्योन ने उतनी मेहनत नहीं की होती है तो उसे सैलरी भी कम मिलेगी, सुविधाएं भी कम मिलेगी। ड्राइवर ने इतनी मेहनत नहीं की होती है तो सुविधाएं भी कम, सैलरी भी कम, ठीक है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का ये मीनिंग है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग सबको बराबर पैसा, ड्राइवर हो, प्योन हो, चपरासी हो, आपका गार्डनर हो, आपका हाउसमेड हो, या कलेक्टर हो, जज हो, डॉक्टर हो, सबको बराबर पैसा। ये सिस्टम किसी को नहीं भाने वाला, कोई मेहनत नहीं करने वाला, सब लोग सोए पड़े रहेंगे और सब कहेंगे भाई बराबरी तो मिलना है, हमें क्या मतलब है, हम क्यों डॉक्टर बने, हम क्यों जज बने, हम क्यों इतनी ज्यादा पढ़ाई करें जब बराबर ही पैसा मिलना है। तो ये हतोत्साहित करने वाला आपका पहलू है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किसी देश में नहीं होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए। जितनी मेहनत करोगे भैया उतनी तरक्की मिलेगी आपको, उतना पैसा मिलेगा, तो लोग मोटिवेटेड होते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, देश तरक्की करता है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जीडीपी बढ़ती है। What is inclusive growth? Inclusive growth क्या है? सबको साथ लेके चलो। जैसे अभी financial inclusiveness आई थी ना, financial inclusiveness क्या होती है? financial inclusion जो जनधन योजना में किया गया, सबके बैंक अकाउंट खोल दिए गए, जो पैसा मिलेगा, सब्सिडी का पैसा मिलेगा, डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा, यानी कि सबको, जो महिलाएं थी गांव की, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, हर एक का बैंक अकाउंट होना चाहिए, जो मोदी जी ने जनधन योजना चलाई थी, ठीक है? What is inclusive growth? Better quality of life for everyone in terms of food, shelter, health, education and sanitation. अच्छी जिंदगी सबके लिए, health wise सेहत अच्छी हो, खाना मिले सबको, सबको एक shelter मिले, मतलब घर पर छत मिले, घर मिले, उनका education हो, वो लोग पढ़ लिख सकें, और उन्हें साफ सुथरी जगह में, sanitation, साफ सुथरी hygienic जगह में वो लोग अपना जीवन यापन कर सकें। ऐसी ग्रोथ कौन सी होती है? इंक्लूसिव, जो सोशल इकोनॉमी, या फिर आप कहते हैं पब्लिक सेक्टर, जो उसको गवर्नमेंट देखती है, उसको सोशल इकोनॉमी में ज्यादा होती है। सो इंडियन मॉडल ऑफ ग्रोथ इज मिक्स्ड इकोनॉमी विद प्लानिंग पब्लिक सेक्टर एंड डायनामिक प्राइवेट सेक्टर। प्लानिंग के साथ पब्लिक सेक्टर के साथ और डायनामिक प्राइवेट सेक्टर के साथ इंडिया ग्रो कर रहा है, उसकी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो इसके साथ हमारा चैप्टर है वो वाइंड अप करते हैं हम। होपफुली आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा, मैंने कोशिश तो पूरी की है, कमी रह गई हो तो कमेंट्स में डाल देना कि मैडम आपकी कोशिश में कमी है, हमें थोड़ा और समझाइए, मैं बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।